So, well, hey guys, Suprabhat, welcome to my channel Cyclopanther. My name is Dheeraj with cameraman Pranav. Today we are going to learn how to repair your disc brakes at home easily. So, let's start the video. So, as you can see, after pressing my lever, then also brake is not working. Ye easily move kar raha hai. You can see, maine lever press kiya hua hai, lekin tabhi bhi hamara tire jo hai, ekdam freely ghum raha hai. To aaj hum yahi theek karne wale hain. और ये घर पे करना बहुत ही आसान है. जस्ट लीव दिस वीडियो. सो आपको डिस्क ब्रेक रिपेयर करने के लिए आपको ये 5mm की एलन की मदद लगेगी, जो हार्डवेयर स्टोर्स में अराउंड 20-40 rupees में इजीली मिल जाता है. नाउ वी विल ओपन दिस नट. एज यू कैन सी, हमें इस ऊपर वाले नट को कभी नहीं खोलना है, तो अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाएगी. हमें सिर्फ नीचे का खोलने का है ताकि वी कैन क्लीन द पैड्स इजीली. एज यू कैन सी, आई हैव ओपन बोथ द बोल्ट्स एंड कैलिपर हमारा बाहर आ चुका है. अब हम इसका एडजस्टर है उसको खोलेंगे पहले. तो ओपन दिस पिन्स. यू कैन सी दिस पिन्स जिसमें हमारा पैड अटका हुआ है, जिसमें हमारे पिन लगे हुए हैं. हमें इजीली इस पकड़ की मदद से हम इसे खोल सकते हैं, बट सबके घर में ऐसे पकड़ नहीं हो गए, तो हम इस पिन का यूज़ करेंगे. सॉरी, पिन नहीं, चिमटी का यूज़ करेंगे. किसी के भी घर पे मिल जाएगा. सी, वी हैव रिमूव्ड दिस पिन. अब हमें पैड्स निकालना है. सो यू कैन सी द कंडीशन ऑफ दिस पैड्स. ये पूरे ऑयली हो चुके हैं, तो हमें इसको क्लीन करना है, इसके ऑयल्स को निकालना है ताकि हमें वापस से वो पुराने ब्रेकिंग पावर मिल जाए. सो लेट्स गो टू द बाथरूम. हम पैड्स धोने के लिए हम डेटॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हर घर में तो होगा ही. हमें इन पैड्स के ऊपर इन डेटॉल लिक्विड को डालना है. रब करने के बाद हमें धो देने का. सो एज यू कैन सी, हमने दोनों पैड्स को क्लीन कर दिया है, तो हम इनको अभी एक सॉफ्ट कपड़े की मदद से इनको पोंछेंगे. So you can see the after condition of these pads. अगर आपको लगता है आपका पैड्स अभी भी ऑयली लग रहा है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड सैंड पेपर, जो आपको हार्डवेयर स्टोर में इजीली 10 rupees के आसपास मिल जाएगा. तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें बस इस पैड्स को लेना है, जेंटली इसमें रब करना है. यू कैन सी द डॉट. इसको भी हम कर देंगे क्लीन फेस ऑफ इट. एंड इसमें ज्यादा क्वांटिटी भी डॉट. सो यू कैन सी द आफ्टर कंडीशंस ऑफ दिस पैड. ये अभी क्लीन हो चुके हैं. अब नेक्स्ट प्रोसेस है, हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा. दिस इज़ कॉल्ड एन एल्कोहल स्वैप, जो आपको मेडिकल स्टोर में 3 rupees के आसपास मिल जाएगा. यू कैन सी दिस एल्कोहल स्वैप, ये कुछ ऐसा दिखता है. यू कैन नाउ जेंटली रब इन द डिस्क प्लेट्स. क्योंकि आपके ब्रेक्स तो ऑयली हो गए थे. ये इंश्योर करना कि आपके डिस्क प्लेट में भी ऑयल रहेगा. दोनों साइड में जेंटली रब करना, कोई भाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले शार्प होते हैं, आपका हैंड कट जा सकते हैं. एंड यू कैन सी द आफ्टर कंडीशन.
इतना काला हो चुका है, इससे पता चलता है हमारे डिस्प्ले में कितना ऑयल था। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस हमें एक क्लॉथ लेना है एंड वो क्लॉथ से क्लीन कर देना है डिस्प्ले को जो भी एल्कोहल स्वैप है। वी हैव क्लेंट, रिमेंबर दिस थिंग, डिस्क में कभी ऑयल नहीं जाना चाहिए। अगर आपके डिस्क में ऑयल गया तो आपका डिस्क गया। सो रिमेंबर दिस थिंग। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑल द प्रोसीजर हम लोग डिस्क पैड को वापस से लगा देंगे लाइक दिस और वी रिमूव, देन हमें पिन लगा देना है। देन मैनुअल एडजस्टर को वापस फिक्स कर देना है, देन वापस उसको अपने जगह पे फिक्स कर देना है। रिमेंबर बोल्ट को प्रॉपरली टाइट करें ताकि आप जब भी रोड में जाए तो ये लूज ना हो जाए। आपको फिर डिस्क कैलिपर टाइट करने के बाद मैन्युअली इसको एडजस्ट करना पड़ेगा लाइक दिस। सो एज यू कैन सी नाउ ब्रेक लीवर दबा रहा हूँ एंड माय ब्रेक्स आर वर्किंग लाइक न्यू, यू कैन सी। सो आपने देखा कितना इजी था अपना डिस्क ब्रेक घर पे रिपेयर करना लास्ट वीडियो में इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस एवरी सैटरडे लाता रहूंगा, सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों को भी सिखा सकते हैं कि आप कैसे अपने डिस्क ब्रेक को घर पे रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।